अस्सलाम वालेकुम। आज मैं काफ़ी दिन हो गए थे मैंने अपनी कोई भी स्किन केयर नहीं की और ना मैंने मतलब कुछ भी अप्लाई किया और स्किन मेरी काफ़ी जो है वो ख़राब हुई हुई थी, रंग भी ऐसे डल डल हो गया था। तो मैंने सोचा घर में स्क्रब बनाकर तो ये मैं अप्लाई करूँगी। तो ये वाइटनिंग स्क्रब है और इजीली आप बनाकर आप इसको फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये करती रहती हूँ इसलिए मैं सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। हमें तीन इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं और ये तीनों चीज़ें आपके घर में होंगी, डेफिनेटली होंगी, क्योंकि ये आम यूज़ वाली चीज़ें हैं जो हर किचन में अवेलेबल होती हैं। और इनको फिर मैं मिक्स करके इनका अच्छे से मास्क बना के उसको फेस पे हल्के हाथ से अप्लाई करूँगी। अभी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो ना काफ़ी को देख के मैं थोड़ा पिघल गई थी, मेरा दिल कर रहा था मैं इसको बना के तो पी लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, स्किन केयर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो फिर मैंने दिल पे पत्थर रख के इसको मिक्स कर लिया और शुगर भी ऐड कर रही हूँ। तो शुगर की क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए जितनी मतलब आपने कॉफ़ी ऐड करनी है उतनी ही शुगर होगी। अगर 1 टीस्पून जो है काफ़ी है तो शुगर भी 1 टीस्पून ही होनी चाहिए। और लेमन जो है वो मैंने हाफ़ यूज़ किया है। लेमन इसलिए हाफ़ यूज़ किया है क्योंकि अगर मैं पूरा डालती तो वो फिर स्किन पर ठहरता नहीं, वो ज़्यादा लिक्विडी हो जाना था, तो मैंने फिर हाफ़ यूज़ किया। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करके मैंने इसको स्किन पे भी अप्लाई कर लिया था, फेस पे भी और हैंड्स पे भी, काफ़ी ज़्यादा ही बन गया था और देखने में तो ये थोड़ा सा लग रहा है। हमारा मास्क रेडी हो गया और अब मैं इसको अपने हाथ पे अप्लाई करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट कैसा होगा। ये अपने हाथ पे अप्लाई और अब मैं इसको थोड़ी देर रखूँगी फिर मैं इसको वॉश कर दूँगी। अच्छा, तो जो लेमन का छिलका था वो आपने ऐसे स्किन पे हल्का हल्का आपने उसके साथ मसाज करना है, तो उससे ये होता है कि स्किन की मैल उतर जाती है। जी, तो मैंने अपने हैंड वॉश कर लिए हैं और मुझे बड़ा फ़र्क नज़र आया है। आप ही बताना कि स्क्रब से आपको फ़र्क पड़ा है कि नहीं। और मैं भाई